गोवंशी तस्करों ने 3 जनपद की पुलिस को जमकर छकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। उभाव थाना से सटे देवरिया जनपद के मैल थाना में पकड़े गए गोवंशी मवेशी तस्करों के पीछे मऊ, बलिया और देवरिया 3 जनपदों की पुलिस लगी थी। सूचना मिलने पर सबसे पहले मऊ जनपद के मधुबन SO विमल राय की टीम ने तस्कर को घेरना चाहा, किंतु पुलिस को अपनी रफ्तार से पछाड़ती हुई तस्करों की ट्रक आगे निकल गई तो रामपुर थाना के प्रभारी SO रंजीत विश्वकर्मा की भी गाड़ी तस्करों के पीछे लग गई। करीब 35 किलोमीटर तक तस्करों ने पुलिस को खूब छकाया। मऊ के रामपुर थाना के समीप पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तस्करों ने ट्रक से उड़ा दिया और तेज रफ्तार में भाग निकले। अखोप होते हुए तस्करों की गाड़ी बलिया के उभाव थाना में प्रवेश किया तो उभाव पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ाई। गोवंश मवेशी लदे ट्रक ने उभाव थाना की गाड़ी को किया रौंदने का प्रयास। चौकिया मोड़ के एक पेट्रोल पंप पास उभाव थाना पुलिस ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर ट्रक को रोकना चाहा, किंतु फिल्मी स्टाइल में ट्रक चालक यहां भी पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया और उभाव थाना के गेट से होते हुए तेज रफ्तार में तुर्ती पार पुलिस पिकेट को भी पार किया। भागलपुर के रास्ते देवरिया जनपद में तस्करों के पहुंचने की सूचना पर देवरिया के SP श्रीपति मिश्र ने मैल और लार पुलिस को पहले ही सतर्क कर दिया था, जिसके कारण तस्करों का निकलना मुश्किल हो गया और पकड़े जाने के भय से अंत में घबराहट में तस्करों का ट्रक जमुआ गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पुलिस ने क्रेन और JCB की मदद से बाहर निकला। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।